नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे दो मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मसूरी में लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत किया कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी नेताओं ने व्यवसाय से जुड़े लोगों से लिए सुझाव। कार्यक्रम में जुड़े लोगों ने विभिन्न सुझाव दिए और मांगे की। हल्द्वानी में शुरू हुई होली की धूम। कुमाऊं में होली पर महिलाएं गीत गाकर समाज को देती हैं संदेश। आयोजित होली समारोह में कुमाऊनी संस्कृति को बचाने के लिए किया प्रेरित। उधम सिंह नगर में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। पुलिस एसओजी और एएनटीएफ की टीम ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 किलो चरस बरामद। हल्द्वानी में आचार संहिता के उल्लंघन का 2 को नोटिस। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को नोटिस हुआ जारी। चेकिंग के दौरान 1 लाख की नकदी बरामद। देहरादून में नगर निगम कर्मी निर्वाचन ड्यूटी में कामकाज हुआ ठप। 133 कर्मचारियों की लगाई गई निर्वाचन में ड्यूटी। लोगों को स्टाफ की कमी के चलते करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बॉर्डर के बीच में चेकिंग के दौरान फंसे बदमाश। एसएसपी ने किया पुलिस को हाई अलर्ट। रामनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कॉर्बेट पार्क में अवैध पाटन करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। लापरवाही बरतने पर 2 वनकर्मियों को किया गया सस्पेंड। चंपावत में अनियंत्रित होकर पिलर से टकराई कार। हादसे में 4। उधम सिंह नगर में मृतक के परिजनों से की गई अवैध वसूली। पोस्टमार्टम हाउस में अवैध वसूली का वीडियो हो रहा वायरल। स्वास्थ्य विभाग कर रहा आरोपी को बरामद। अल्मोड़ा से श्री खाटू श्याम की यात्रा पर निकला युवक। 1700 किलोमीटर की यात्रा करेगा युवक। यात्रा में लगेंगे 42 से 45 दिनों का समय। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे। सीएम धामी ने अल्मोड़ा पहुंचकर जनसभा की। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान अजय टमटा भी मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी पहली बार पिथौरागढ़ के गुंजी आदि कैलाश अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष से न केवल वोट बैंक की राजनीति की है बल्कि वंशवाद जातिवाद को बढ़ावा दिया है। इस ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा में आकर सचमुच एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, आभास होता है, अनुभूति होती है। वहीं आप सबका जो प्रेम है वो निश्चित रूप से और ऊर्जा प्रदान करता है कि जितने काम आप मेरे यहां गिना रहे थे आने वाले समय में इससे कई गुना और कामों को गति देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की पुण्य भूमि को जहां भगवान जागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्राप्त है वहीं इस महान भूमि को जिसकी रक्षा हमारे लोक देवता गुरुदेव स्वयं करते हैं। यह अष्ट भैरव माता नौ दुर्गा की भूमि है और इस महान भूमि पर आना किसी सौभाग्य से किसी अच्छे कर्म से मैं कहूँ इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो उन्हीं का प्रतिफल होता है कि यहां पर आकर लोगों के बीच में मिलने का अवसर उनके बीच में काम करने का अवसर उनका स्नेह पाने का अवसर मिलता है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव जंग में प्रचार प्रसार के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और गणेश गोदियाल दोनों को हिदायत दी है कि वो चुनाव को सहानुभूति से नहीं चुनाव के तरीकों से लड़े। साथ ही इनकम टैक्स न भरने पर नामांकन रद्द करने की मांग की। वहीं अब कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूं तो फिर जनता की सहानुभूति को महेंद्र भट्ट भी नहीं छीन सकते। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों कल का दिन बीच परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहां मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताजा उदाहरण है।
देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करण माहरा ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते सीज करने पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और जो हालात देश में इस समय बने हुए हैं उससे भारत की छवि भी खराब हो रही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो उसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,30,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को जो मुख्य विपक्षी दल है उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है। पूरे देश के साथ धर्मनगरी हरिद्वार में भी लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार जिला बीजेपी कार्यालय में लोकसभा के लिए अपना डिजिटल नामांकन किया। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान सहित भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। निश्चित रूप से हरिद्वार से और ये मोक्षदायिनी नगरी है, सप्तपुरियों में से इसका सबसे ऊंचा स्थान है वो स्थान हरिद्वार से है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश में जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने नामांकन के तरीके, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले फोन आया था, उन्होंने कहा हरिद्वार वालों को मेरी राम राम कहना नहीं होता। जनता बहुत जागरूक है और जनता का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है ये आपने देखा जब 16-17 तारीख को जो रोड शो हुआ था, और रोड शो कोई योजना नहीं थी लेकिन एक स्वाभाविक रूप से रोड शो हो गया और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, 175 किलोमीटर का रोड शो हुआ और हजारों लोगों ने उसमें स्वेच्छा से भाग लिया। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपनी हार को लेकर हताश है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस न तो कानून का पालन कर रही है और न ही देश के संविधान पर विश्वास कर रही है। लोकतंत्र में तानाशाही का सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के मुहाने पर पूरा देश खड़ा है और कांग्रेस पार्टी के जो है अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने फ्रंटल संगठन है उनके अकाउंट भी। बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे पर दांव लगाने जा रही है। अभी तक निर्दलीय के रूप में हरिद्वार सीट से चुनाव की दावेदारी कर रही भावना पांडे ने आज हरिद्वार में बसपा ज्वाइन कर ली। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी भावना पांडे का जोरदार स्वागत किया। भावना पांडे ने कहा कि वे जल्द बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर बसपा जीत दर्ज करने जा रही है। पड़ी और सबसे बड़ी बात क्या कि मेरे उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समाज का कोई नेता नहीं है, तो ये बढ़ गया है वोट और बिखर गया है, इन समाज के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इस उत्तराखंड में दलित मुस्लिम और पहाड़ का गठजोड़ होगा और हम राज्य आंदोलनकारी हैं। ये मेरे भाई लोग हैं, दलित भाई, ये मुस्लिम भी मेरे भाई हैं, पहाड़ की तो मैं हुई, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इस उत्तराखंड में 3 लोगों का गठजोड़ होगा। पहाड़ के लोग वैसे तो सारे मेरे लोग हैं, अब हम आंदोलनकारी जिसमें सब आते हैं, सैनी भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, जो दो
स्पेशली दलित समाज का शोषण करते हैं लोग और माइनॉरिटी समाज का कांग्रेस ठेकेदार बनती है और ये बढ़ गया तो इनको मुझे एक करने के लिए बसपा का दामन पकड़ना पड़ा और निश्चित तौर पर ये सीट बसपा के खाते में जाएगी। अब भगवान ही अब नीला लहराएगा यहाँ पर। बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देने में लगी है। इसी क्रम में बीजेपी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चुनाव प्रदेश में बड़ी चुनावी सभाओं के साथ साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। वहीं महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई वर्चुअल बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बड़ी जनसभाओं के अलावा नुक्कड़ सभाओं को भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसके तहत प्रति विधानसभा 100 के अनुसार कुल 7,000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नुक्कड़ सभाओं में हर सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से शिरकत करेंगे। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक समेत 7,000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। राष्ट्र अध्यक्ष के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग थी और बड़ी सभाओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं को बहुत महत्व दिया गया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 70,000 प्रत्येक विधानसभा 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी की भले ही अभी तक कोई घोषणा न हुई हो, लेकिन बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले निर्दलीय प्रत्याशी खानपुर से विधायक उमेश कुमार अपने भारी समर्थकों के साथ नामांकन करने हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उमेश कुमार ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि दोनों पार्टियां हरिद्वार के साथ भेदभाव करती चली आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने नेता प्रवासी पक्षियों की तरह दिल्ली से उड़कर चुनाव में आते हैं और चुनाव जीतकर हरिद्वार की तरफ झांकते भी नहीं। हरिद्वार के बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। आने वाला समय दूर नहीं है जब ये हमें गुलाम बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिला पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है, 50% की खुली घूसखोरी इस जनपद में है। आप मुद्दों की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर है तो इस जनपद में है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले उन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से खदेड़ना है जो दिल्ली से उड़कर यहाँ आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहां से वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखते नहीं है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। आज उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से मुलाकात कर उनके प्रत्याशी को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के पौड़ी गढ़वाल के प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स महाराष्ट्र की ओर से समन दिए जाने और उत्पीड़न के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनके प्रत्याशी को जानबूझकर राज्य के बाहर बुलाया जा रहा है ताकि वो चुनाव में पूरी ताकत के साथ काम न कर सके। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के इनकम टैक्स नोटिस मामले पर संज्ञान लेने का भी आग्रह किया और उचित कार्रवाई की मांग की। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से गणेश गोदियाल जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी बढ़त बनी हुई है, एक तरफा ये चुनाव दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत कुचक्र रचा जा रहा है। कैसे गणेश गोदियाल को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, उत्पीड़न किया जाए। पहले उसी क्षेत्र से नेताओं को एक के बाद एक ले जाने का कार्यक्रम, खरीद फरोख का कार्यक्रम भाजपा ने जारी रखा और अब तो एन चुनाव के समय पर महाराष्ट्र इनकम टैक्स ने उनको 3 समन सर्व कर दिए हैं और उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि चुनाव को पीक पर छोड़कर वो 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र में पर्सनली उपलब्ध हो। रुद्रपुर में उत्तराखंड सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग कर
मोदी सरकार के 10 सालों और धामी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी हार मान चुकी है, इस कारण उन्हें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है कि आज कोई भी उनका टिकट लेना नहीं चाहता, सबको बहुत साफ दिख रहा है, स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि जब जून में काउंटिंग होगी तो उसका क्या निर्णय आएगा। पांचों की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमतों से जीतने जा रही है, और कांग्रेस को सिर्फ यहाँ नहीं, आप हरिद्वार में देख लीजिए, टिकट अनाउंस नहीं हुआ, नैनीताल अनाउंस नहीं हुआ, जो दिए भी टिकट हैं उसमें भी टहरी टिकट एक ऐसा दिया है जो कि लोग मान के चल रहे हैं कि वॉक ओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो क्योंकि आज कांग्रेस की ये दिशा हो गई है, ये दशा हो चुकी है कि कोई भी उसका टिकट लेने को तैयार नहीं उत्तराखंड में। और मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम पांचों सीट 5 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हम सक्षम हैं। विकास नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर डाक पत्थर बैराज पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी गाड़ियों को बारीकी से चेक किया गया और लोकसभा चुनाव को देखते हुए राह चलते लोगों के बैग भी चेक किए गए। बता दें कि डाक पत्थर स्थित बैराज पुल पर 2 राज्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी कल राज्य भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। इस दौरान बीजेपी विधायक खजान दास ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे कर रहे हैं और आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो उसका दौरा करते रहते हैं, और इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिकतर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के अंदर लगे हैं, इसी के निमित्त वो वहाँ पर है। धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी राज्य भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि धामी सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी ने संगठन की दृष्टि से सभी 19 जिलों के पदाधिकारी और मंत्रियों की ड्यूटी कार्यक्रम को लेकर लगाई है। अभी फोकस करने जा रहे हैं, एक तो उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च को, तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगे। हमारे सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं उन पर वहां चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। मई के पहले सप्ताह से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिली है। जहां की बसों और टैक्सी के किराए में वृद्धि किए जाने की ट्रांसपोर्टरों की मांग की ओर से परिवहन विभाग ने नकार दिया है। आपको बता दें कि डीजल बीमा राशि और अन्य खर्चों में वृद्धि का हवाला देकर संयुक्त रोटेशन के अंतर्गत 4 धाम यात्रा करने वाली परिवहन कंपनियां किराए में 5 से 10% तक मांग कर रही थी, लेकिन परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि इस साल भी 4 धाम यात्रा में बस और टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघ, हाथी, गुलदार, भालू, पक्षियों आदि वनों और वन्य जीवों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां पर पर्यटक जलीय जीवों के दीदार के लिए भी पहुंचते हैं। हर साल पार्क प्रशासन जलीय जीवों की गणना का कार्य करता है। इस साल भी फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह में इन जलीय जीवों की गणना का कार्य किया गया था, जिसमें कॉर्बेट में मगरमच्छ, घड़ियाल तो बढ़े लेकिन उदबिलाव घट गए। इस बार की गणना में मगरमच्छ की संख्या 50% और घड़ियाल की संख्या में 80% का इजाफा हुआ है, मगर उदबिलाव की संख्या में गिरावट आना चिंता का विषय है। ऐसे इतने थोड़ा मिल रहे हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च 5 से 7 तारीख जो फर्स्ट वीक था हमारा, उसमें जलीय जीवों की गणना की गई थी, जिसमें ऑटर्स, क्रोकोडाइल और मगर ये तीनों की गणना की गई थी। तो उसमें जो ऑटर्स हैं उनकी संख्या में थोड़ी सी गिरावट इस बार दिखाई दी है। लगभग हमें 161 ऑटर्स पिछले साल की तुलना में 183 थे, उसके तुलना में 161 हमें दिखे हैं ऑटर्स, ये इस बार परिलक्षित हुआ है। जबकि
मगर और घड़ियाल दोनों की संख्या में बढ़ोतरी। विकास नगर के दाग पत्थर डिग्री कॉलेज में छात्रों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं कॉलेज के शिक्षकों ने भी होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।